नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास HP का 416 प्रिंटर है जो कि वाईफाई ऑल इन वन इंकटेंक प्रिंटर है। जब भी आप फर्स्ट टाइम खरीदते हैं तो इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसमें इंक कैसे डाला जाता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वाईफाई के थ्रू मोबाइल से कैसे प्रिंट करेंगे और कंप्यूटर में इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी इस प्रिंटर को खरीदेंगे तो इसके साथ इंक के 4 बॉटल मिलेंगे। जो ब्लैक इंक बॉटल मिलेगा, इसका मॉडल नंबर रहेगा GT51 और ये 170 ml का रहेगा। और बाकी जो 3 कलर मिलेंगे, इन कलर का मॉडल नंबर रहेगा GT52 और ये जो कलर है येलो, सियान और मेजेंटा कलर में मिलेगा। और इनकी जो कैपेसिटी है या फिर इंक जो बॉटल है वो 70 ml का मिलेगा। और इसमें 2 हेड मिलेंगे, एक ब्लैक में और एक ट्राई कलर। और साथ ही साथ इसमें 2 केबल मिलेगा, एक डेटा केबल कंप्यूटर से अटैच करने वाली और एक पावर केबल मिलेगा। चलिए इसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि पहले हम इंक बॉटल, इसको हटाने के बाद पहले इंक हम रिफिल करेंगे। तो पहले हम इसे हटा लेते हैं और जहाँ जहाँ भी ब्लू टेप रहेगा वो उस जगह से सारा ब्लू टेप हम हटा लेंगे। इसको भी हम हटा लेते हैं। इस तरह से ये हटा लेंगे सारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इस साइड लाएंगे और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इसको नीचे दबा देंगे तो ये ऊपर उड़ जाएगा इस तरह से, और इसे बाहर की तरफ खींच लेंगे। उसके बाद इसमें कार्टेज लगा देंगे। कार्टेज के लिए यहाँ पे देखिए एक कलर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है। तो इसको लगाने से पहले हम इंक भर लेते हैं, उसके बाद हेड लगाते हैं। तो इसको हम बंद कर लेंगे। उसके बाद ये ढक्कन है, यहाँ पे खोलेंगे। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस नोजल में कौन सा कलर भरना है। यहाँ पे के दिया हुआ है, यानी कि ये ब्लैक है, उसके बाद सियान, मेजेंटा और येलो, इन सभी में वो कलर डाल लेते हैं बारी बारी करके। और यहाँ से इस इंक बोतल को सीधा इसके नोजल पे रख देना है, ऑटोमेटिक ये रिफिल कर लेगा इस तरह से। और यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि कितना ये रिफ़िल हो रहा है। अगर खाली भी होता है तो यहाँ से दिखाई देगा, खाली होने से पहले ये देख कर उसके अकॉर्डिंग हम इंक दोबारा रिफ़िल कर लेंगे। इसी तरह करके सारा इंक बोतल भर लेंगे। अब ये सारे का ढक्कन हम बंद कर लेंगे इस तरह से बारी बारी करके, इसे बंद कर देंगे। अब इसके बाद दोनों हेड को लगाएंगे। इसके लिए ये ऊपर का ढक्कन खोला जाएगा और ये पीछे वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक और कलर वाला हेड है, हेड को यहाँ पे इन ऑप्शनों में लगाना है। तो इसके लिए ये ध्यान रहे कि ये ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए अब कलर ब्लैक वाला लगाते हैं, उसके बाद कलर वाला लगाते हैं। ये ब्लैक कलर का हेड है और यहाँ पे हम इस नोजल से ये हटा लेंगे और ये पीछे से ये स्टिकर हटा लेंगे इस तरह से। और इस वाले ब्लैक हेड को यहाँ पे ऐसे लगाकर हल्का सा पुश करेंगे तो ये जाके खट से बैठ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से कलर वाला भी हेड लगाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगाएंगे और हल्के से इस तरह से पुश करेंगे, ये खट से करके बैठ जाएगा। और ये ऊपर वाला जो ढक्कन है इसे नीचे से दबा देंगे, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ढक्कन को बंद करेंगे और इस वाले ढक्कन को बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें पावर ऑन करेंगे। पावर केबल लगाने के बाद यहाँ पर पावर वाली लाइट ऑन करेंगे। प्रेस करने के बाद स्क्रीन पर कुछ अभी डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद हम इंस्ट्रक्शन बताते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के कुछ देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पी फ्लैश करने लगेगा और यहाँ पे ये जो पेपर वाली कैंसिल वाली बटन है यहाँ पे एक रेड लाइट जलने लगेगी। तो ये कैंसिल वाली बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे इस तरह से। 3 सेकंड दबाने के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद यहाँ पर कलर वाली जो बटन है इस बटन को हम दबा देंगे। और इस वाली बटन दबाने के बाद यहाँ पे पीछे हम पेपर लगा लेंगे। यहाँ से ये पेपर इनपुट है और यहाँ पे पेपर आउटपुट है। तो यहाँ पे पेपर हम लगा लेंगे।
जैसे ही पेपर लगा लें तो कुछ सेकंड के बाद एक ऑटोमेटिक टेस्ट पेपर के लिए ये जाएगा, पेपर एक प्रिंट होगा, अभी आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ए फ्लैश कर रहा था यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने के बाद ये जो पावर वाली लाइट फ्लैश कर रही है वो भी कुछ देर के बाद ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, तो हम इस पर प्रिंटिंग करके देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर लाइट कंटिन्यू जलने लगेगी। कंटिन्यू जलने से पहले एक हमारे पास ये इंक फिल रिमाइंडर का एक पेपर प्रिंट होके आएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर लगाकर प्रिंट करके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीसी का बुकलेट है, इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैनर पे यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अपर साइड है और नीचे वाला लोअर साइड है। तो यहाँ पे इस पे रखेंगे और इसका एक फ़ोटो कॉपी हम करके देखते हैं। यहाँ पे फोटो कॉपी करने के लिए यहाँ पे ब्लैक वाला करना है तो ब्लैक दबाएंगे, कलर करना है तो कलर दबाएंगे, कलर वाले बटन दबाएंगे। तो हमें ब्लैक करना है तो हम ब्लैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन पेज प्रिंट करना है तो इसी को कंटिन्यू दो तीन बार अगर प्रेस करते हैं तो दो तीन बार यहाँ पे लिख देगा, नंबर काउंट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं जो हमने प्रिंट किया है वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, अच्छी क्वालिटी में हुआ है। ऐसे ही हम कलर भी कर लेंगे। चलिए अपने कंप्यूटर पे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे इसका इंस्टॉल किया जाता है और मोबाइल से कैसे इसे प्रिंट किया जाता है वो भी हम बताएंगे। दोस्तों इस प्रिंटर को USB केबल के थ्रू हम अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिए हैं। यदि आपके पास विंडो 10 है तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब फर्स्ट टाइम आप अपने प्रिंटर को USB केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जब भी स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक HP स्मार्ट का आ जाएगा और विंडो 10 में कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इससे प्रिंट दे सकते हैं, जैसे कि हम आपको एक प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, इस पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में इस प्रिंटर का मॉडल नंबर शो करेगा HP का। एक्चुअली यहाँ पे HP इंकटेंक वायरलेस 410 सीरीज दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारे पास जो प्रिंटर है 416, ये प्रिंटर 410 के ही सॉफ्टवेयर पे चलता है, इसलिए यहाँ पे 410 ही डिटेक्ट किया है, ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करेगा। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको लैंडस्केप पोर्ट्रेट में जैसे भी इसको प्रिंट देना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंट पे दे सकते हैं। यदि आप पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से RD1 पे सेलेक्ट करके आप, जैसे मान लीजिए कि हम दूसरा पेज प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे अपना जो भी नंबर है पेज का नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कलर चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। आप कलर भी जो भी करना चाहते हैं कलर में करना चाहते हैं कलर पर क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने दूसरा पेज प्रिंट किया है तो वो दूसरा पेज का ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है, हमने कलर में प्रिंट किया है। तो इस तरह से आप विंडो 10 से प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि विंडो 10 में कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास अगर विंडो 7 है तो उसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए इसके साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर टाइप करेंगे HP सपोर्ट एंड ड्राइवर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं support HP.com ये वाली साइट पर पहली साइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या किस चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमारा प्रिंटर है तो प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंटर का मॉडल नंबर डालेंगे 410 या 416 यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका ड्राइवर शो करने लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंटर भी शो करने लगा। और नीचे आएंगे जिस सिस्टम में हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें विंडोज 10 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे विंडोज 10 64 बिट डिटेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप विंडोज 7 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज डिफरेंट OS पे जाएंगे और यहाँ पे अपना जो भी विंडोज़ है वो विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि 7 64 बिट है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेंज पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर शो करने लगेंगे। अब नीचे आएंगे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि HP Inkjet वायरलेस 410 सीरीज फुल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, जैसे स्कैनर हुआ, ड्राइवर हुआ, सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड है। और इनमें से अगर डाउनलोड करते हैं तो बारी बारी स्कैनर का अलग से करना पड़ेगा, इसका ड्राइवर अलग से करना पड़ेगा। और ये सॉफ्टवेयर 132 MB का है, और यहाँ से ये डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है, उतने में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि अपने मोबाइल से वाईफाई के ज़रिए कैसे इस प्रिंटर को प्रिंट आउट देंगे और उसमें कैसे सेटिंग करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे HP Smart और इसे इंस्टॉल करेंगे। HP Smart ऐप इंस्टॉल होने के बाद एक और ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, HP Print Service Plugin, इस ऐप को भी इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तभी ये कनेक्ट होकर प्रिंट हो पाएगा। इंस्टॉल होने के बाद HP Smart को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा ऑल, एक्सेप्ट ऑल, तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइन इन करने के लिए आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे साइन इन करना चाहते हैं तो साइन इन करिए, चाहे यहाँ पे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे ऐड योर फर्स्ट प्रिंटर, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, उसके बाद ऐड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिवाइस वाईफाई ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे, यहाँ से वाईफाई ऑन करेंगे। जैसे ही वाईफाई ऑन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके प्रिंटर का वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे दिखा देगा, जैसे दिखा रहा है HP सेटअप 62 Inkjet वायरलेस, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैक जाएंगे। बैक जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड प्रिंटर में इस प्रिंटर का मॉडल नंबर शो करने लगेगा। उसके बाद इस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडी टू प्रिंट लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, शॉर्टकट, कैमरा स्नैप सपोर्ट, प्रिंट फोटो, प्रिंट डॉक्यूमेंट, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि यहाँ से प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसे हम बंद करेंगे। सीधा डायरेक्ट फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कोने में देख सकते हैं 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लगइन के लिए अलाउ करने के लिए मांग रहा है, जो हमने दूसरा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं HP प्रिंट सर्विस प्लगइन पे वाले ऐप को ओपन करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे अलाउ करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा HP प्रिंट सर्विस प्लगइन का, तो इसे यहाँ पे दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ओपन HP Smart पे क्लिक कर देंगे। फिर हम वही उसी डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, देखिए अब यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं ये प्रिंट होने लगा। तो इस तरह से अपने मोबाइल से वाईफाई के ज़रिए इस प्रिंटर को प्रिंट आउट दे सकते हैं। और यदि आपके पास विंडोज़ 10 है तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास अगर विंडोज़ 7 है तो HP के साइट पे जाकर इसका ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद ही आप इसे प्रिंट आउट दे पाएंगे। आई होप आप सभी को पूरा इंस्टॉलेशन समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।